शांति प्रिय समुदाय का एक आदमी हाथ में कुरान और एक हाथ में चाकू लेकर फ्रांस के चर्च में घुसा। एक महिला का तो सिर कलम किया, कुछ को चाकू घोंप दिए। तीन के मरने का समाचार है, कुछ घायल है बताया जा रहा है। हमलावर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। मोदी जी हो या ट्रंप, पुतिन हो या मैक्रो, एक हाथ में कितना भी कंप्यूटर देने की बात कर ले, लेकिन हकीकत फ्रांस के नीस और हरियाणा के फरीदाबाद वाली रहेगी। कोई भी एक मुल्ला मौलाना सामने आकर निकिता की हत्या या फ्रांस में गला रेतने की घटना की निंदा नहीं करेगा, उल्टा भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। दो दो कोड़ी के जमाती अब मैक्रो का बदला भारत में हिंसा करके लेंगे। लेकिन कमलेश तिवारी की हत्या, निकिता, रिया, हिना तलरेजा, मुंबई बम विस्फोट, ताज होटल हमला, जयपुर दिल्ली ब्लास्ट, क्या आज तक इनकी निंदा, आतंकियों के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन जुलूस निकला है? शायद नहीं। नमस्कार दोस्तों, रंगदे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रांस की घटना पर तेजिंदर पाल बग्गा ने ट्वीट किया है कि दिल्ली का आदर्श नगर हो, फरीदाबाद हो या फ्रांस, जब तक ये जिहादी मानसिकता रहेगी लोग मरते रहेंगे। मदरसों पर ताला लगाया जाना चाहिए और कट्टरपंथी मौलानाओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, नहीं तो निकिता भी मरती रहेगी और आतंकवाद भी पनपता रहेगा। क्योंकि नबी के अपमान का सहारा लेकर आतंकवाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक बड़ा वाहन नज़र आ रहा है। लेकिन गैर मुस्लिमों को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बड़ा वर्ग आतंक के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस दिन ये लड़ेगा निश्चित ही आतंक के पैर उखड़ जाएंगे। लेकिन वामपंथी मीडिया का एक बड़ा धड़ा अभी भी आतंक और इस्लाम को अलग अलग करने में लगा हुआ है। कल फ्रांस की घटना पर NDTV ने लिखा कि फ्रांस में सिर फिरे ने चर्च में एक महिला का सिर कलम करने के साथ दो अन्य लोगों को मार डाला। जैसे कई रोज पहले निकिता के हत्यारे तौसीफ को भी सिर फिरा लिखा गया था। लेकिन ये सिर फिरे सन की पागल कभी भी किसी मदरसे में जाकर किसी मौलवी का गला नहीं रेतते, ना कभी किसी शबनम रियाना को गोली मारते। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण आज हम इस एपिसोड में दुनिया को बता रहे हैं। जुलाई 2016, फ्रांस के इसी नीस शहर में ट्रक द्वारा हमला करके मोहम्मद बुलेल ने 84 लोगों की जान ले ली थी। बुलेल ने बस्तील दिवस पर आतिशबाजी प्रदर्शन का आनंद ले रही भीड़ पर ट्रक से हमला किया था और हमलावर को सन की अवसादग्रस्त और सिरफिरा कहकर फाइल बंद कर दी गई थी, जबकि हमलावर बार बार अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। इसी साल उत्तरी फ्रांस के एक चर्च में घुसकर दो आतंकियों ने एक पादरी का गला रेत दिया, चार अन्य लोगों को बंधक बना। पुलिस की कार्रवाई में आतंकी तो मारे गए, लेकिन इन्हें सन की अवसादग्रस्त और सिरफिरा लिखा गया। इसके बाद जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिया मॉल में एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 9 लोगों को जान से मार दिया, इन्हें भी सिरफिरा, पागल, सन की कहा गया। 5 फरवरी 2015 को डेनमार्क की राजधानी कोपेगन में कैफे और यहूदी प्रार्थना स्थल पर आतंकवादी हमला हुआ, कई लोग मारे गए। इस हमले में एक 55 साल के डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता फिन यनगार्ड भी थे। यहाँ भी हमलावर ने वही अल्लाह अकबर का नारा दिया, लेकिन उसे भी सिरफिरा, अवसादग्रस्त कहा गया। वर्ष 2017 ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में धमाके में 22 लोग मारे गए, जबकि 50 के करीब घायल हुए थे। यही अल्लाह अकबर का नारा था, लेकिन हमलावर को यहाँ भी पागल, सन की और अवसादग्रस्त कहा गया। लेकिन उसी समय कनाडा की एक मुस्लिम लेखिका इरशाद मांझी ने कहा था कि मुस्लिम संगठन ऐसा दिखावा करते हैं मानो आज के आतंकवाद में इस्लाम बिल्कुल निर्दोष है और उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। आखिर आतंकवादियों को कौन सिखा रहा है कि पैगंबर का बदला लेना है, मजहबी किताब हाथ में रखनी है, अल्लाह अकबर का नारा देना है? वो क्या चाहते हैं, ये साफ है। इसीलिए इस बात को नज़रअंदाज करना भारी भूल होगी। आखिर इन्हें कैसे इस्लाम से ना जोड़ा जाए, जो सवाल है उनके जवाब कौन देगा? 29 मई साल 2004 सऊदी अरब के शहर के एक आवासीय परिसर पर हमला किया गया। 22 लोग इस हमले में मारे गए या कोच चुन चुन कर मारे गए। भगदड़ में बचकर निकलने वाले लोगों ने बताया कि किस प्रकार आतंकवादियों ने आश्वासन दिया कि वे केवल गैर मुसलमानों को ही मारेंगे। हाजेम अल्दामेन जॉर्डन का एक मुसलमान था। दो आतंकवादियों ने उसका दरवाज़ा खटखटाया, उससे पूछा कि वे मुसलमान हैं या ईसाई। मुसलमान सुनने के बाद हमलावरों ने उन्हें अपने कमरे में ही रहने को कहा, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ अन्य मतों के लोगों को कत्ल करना था। अबू हासेम एक इराकी अमेरिकी मुसलमान इंजीनियर था। आतंकवादियों ने उसका आवास कार्ड मांगा, जिसमें उसका धर्म मुस्लिम और नागरिकता में अमेरिकी लिखा हुआ था। इस मिश्रण से दो आतंकवादियों के बीच बहस छिड़ गई। एक ने कहा, ये अमेरिका का है, हमें मार देना चाहिए, तो दूसरे ने उत्तर दिया कि हम मुसलमानों को नहीं मारते। फिर उसे कहा गया, डरो मत, हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे।
तीसरा अब्दुल सलाम अल हकावती एक लेबनानी अधिकारी था। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसका पूरा परिवार ऊपर सीढ़ियों पर छुप गया। नीचे की सीढ़ियों पर उन्होंने आतंकवादियों को भगदड़ मचाते प्रवेश करते सुना। थोड़ी देर में दीवार पर कुरान की आयतें देखकर उन्होंने कहा, यार ये तो मुसलमान का घर है। जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादी सीढ़ियों के ऊपर चढ़े तो अल हकावती ने उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहकर अपनी पहचान को और साबित कर दिया। निजार हजानी जॉर्डन का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वे जॉर्डन के एक और व्यक्ति के साथ कमरे में छिप गया। तभी दो हथियारबंद आतंकवादियों ने कमरे पर आक्रामक तरीके से दस्तक दी तो उन्होंने इसे खोल दिया। आतंकवादियों ने जॉर्डन वासियों की पहचान पूछी, अरब या पश्चिमी। इधर से उत्तर आया, हम अरब के हैं। उनमें से एक ने पूछा, ईसाई हो या मुसलमान। दोनों ने स्वयं को मुसलमान बताया और साक्ष्य के तौर पर कुरान दिखाया। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जुलाई 2016 ढाका में होली आर्टिसन बेकरी पर हमला हुआ। हमले में 24 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों ने फराज नाम के एक बंधक की जान इसलिए बख्श दी क्योंकि उसने कुरान की आयतें सुना दी थी। तब दुनिया भर में खबर छप गई। दुनिया भर के अखबारों ने लिखा कि कुरान ने कैसे बचाई जान, लेकिन इस सवाल को किसी ने नहीं उठाया कि बाकी की जान लेने वाली कौन सी किताब थी। यह पहली बार नहीं है कि इस्लामवादियों ने काफिरों को निशाना बनाया। मलेशिया में साल 2000 में जिहादियों ने जानबूझकर गैर मुसलमान बंधकों को मार डाला था और बाकी मुसलमानों को छोड़ दिया था। साल 2002 में पाकिस्तान के पुलिस प्रमुख ने खुद माना था कि आतंकवादियों ने लाहौर में 15 मिनट तक ईसाइयों को छांट छांट कर अलग किया, उन्हें मौत देने की ठानी। हत्यारों ने ईसाइयों को मुसलमानों से अलग किया और प्रत्येक को कुरान की एक आयत पढ़ने को कहा। जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। यानी हत्यारों ने एक भी मुस्लिम की हत्या नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें सिर फिरे सन की कहा जाता है, पागल कहा जाता है। लेकिन इनके खिलाफ किसी मुस्लिम देश में कोई विरोध प्रदर्शन, इनके परिवारों को किसी तरह की प्रताड़ना सहनी नहीं पड़ती। अब सुनिए, ये असली पागल सन की किसे कहते हैं। कुछ समय पहले रियाद के पुलिस मुख्यालय में 50 व्यक्तियों की हत्या और 138 व्यक्तियों को हताहत करने वाले आत्मघाती हमलावर को सऊदी सुरक्षा बल की देखभाल से जुड़े एक अधिकारी अब्दुल अजीज रेमबान ने हमलावर को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कहा था कि ये किस तरह का जिहाद है जब एक भी विदेशी नहीं है और मरने वाले सभी मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम तो इसमें है ही नहीं। खैर, अब पश्चिमी देशों को भी पता चल गया, इस मानसिकता से वे भी रूबरू हुए। फ्रांस के सेकुलर समाज को भी पता चल गया कि 6 करोड़ आबादी में अभी 60 लाख हैं। जब 50% होंगे तब क्या होगा। अब उम्मीद है, फ्रांस की पहली क्रांति करीब 231 साल पहले हुई थी, जिसका लक्ष्य भय भूख से आज़ाद समाज का निर्माण करना था। अब फ्रांस में दूसरी क्रांति वर्ष 2020 में देखी जा रही है और ये क्रांति इस्लामिक कट्टरता के विरुद्ध है, क्योंकि कट्टरता से लोकतंत्र की रक्षा करना बेहद जरूरी हो चुका है। इसका रास्ता इस्लामी चरमपंथ को संपूर्ण प्रहार से होकर जाता है। इस क्रांति का लक्ष्य इस्लामिक कट्टरवाद से मुक्ति दिलाना है। भारत को भी फ्रांस से केवल राफेल नहीं बल्कि कुछ सीख भी ले लेनी चाहिए।